हेलो गाइज, मेरा नाम है सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो डिवाइस, तो फाइनली आपके लिए एक न्यू अपडेट ऑल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, MIUI 12.5 का इनहांस अपडेट, जिसके की वर्जन की बात को तो MIUI 12.5.2.0 देखने को मिलता है। स्टेबल अपडेट है, 711 MB के साइज है। तो इस अपडेट में आपको काफ़ी सारे फीचर भी देखने को मिलता है, वो सब कुछ बताने वाला है। इस अपडेट में आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिलता है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा। और MIUI 13 भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नहीं है, और साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और आज तो अपडेट है यार, लाइक तो बनता है यार, 200 लाइक कर देता हूं। चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको सभी फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको अबाउट फोन का वर्जन दिखाता हूं। यहां पे देखते हैं रेडमी नोट 9 प्रो डिवाइस है, MIUI 12.5.2.0, एंड्रॉइड 11 पे ही देखने को मिलता है। और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की बात की जाए तो वो आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, मतलब 11वें महीने का, मतलब नवंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। मतलब बहुत सारे कम Xiaomi के डिवाइस में नवंबर का सिक्योरिटी पैच है, लेकिन रेडमी नोट 9 प्रो को यहां पे सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलता है इसके वॉल्यूम पैनल के अंदर। जी हाँ, वॉल्यूम पैनल के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे और 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है साइलेंट मोड के अंदर भी। पहले ऐसा नहीं था, इसका रो अब चेंज आपको देखने को मिलता है। अगर आपको साइलेंट मोड यहाँ पे 30 मिनट के लिए लगाना है तो 30 मिनट के लिए लगा सकते हैं, 1 घंटे के लिए लगाना है तो 1 घंटे के लिए लगा सकते हैं, 2 घंटे के लिए लगाना है 2 घंटे, और 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक साइलेंट मोड भी रिमूव हो जाएगा। तो टाइमर का ऑप्शन इस अपडेट के अंदर आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर DND मोड में भी आपको टाइमर का ऑप्शन देखने को मिलता है। पहले आपको सेटिंग में जाना जरूरत पड़ती थी DND मोड के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसके एनिमेशन को भी चेंज कर दिया गया, देखते क्लिक करता हूं, क्या एक एनिमेशन आ रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है देखते। तो ये एक एनिमेशन ऐड कर दिया गया, ये एनिमेशन आपको यहां पे भी देखने को मिल जाता है। पहले तो अच्छी तरीके से नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छी तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। जैसे कि बताया, ये MIUI 12 का इनहांस अपडेट है, तो उसमें मेमोरी एक्सटेंशन वाला भी फीचर भी देखने को मिल चुका है। तो मैं एडिशनली सेटिंग पे क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पे आप देखते हैं, यहां पे मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर आपको देखने को मिल चुका है। अब इस पे क्लिक करते हैं, यहां पे आप देखते हैं 1 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर देखने को मिल चुका, और कई फोनों के अंदर 2 GB रैम एक्सटेंड करने का भी फीचर देखने को मिला होगा। 2 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर उन लोगों को देखने को मिला है जिन्होंने 6 GB प्लस 128 GB वाला फोन बाय किया है, उनको 2 GB रैम एक्सटेंड करने का फीचर देखने को मिल चुका है। लेकिन एक बात बता दूं, इसको आप ऑन करेंगे तो अपने फोन को एक बार रिबूट करना पड़ेगा जब ये ऑन हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, आपका जो स्टोरेज है उसके अंदर से 1 GB रैम आप मतलब 1 GB स्टोरेज हट जाएगी, मतलब 64 GB है तो 63 GB हो जाएगी। तो इस प्रकार का ये फीचर आपको देखने को मिलता है, तो इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फीचर की बात को तो वो मिलता है आपके मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग में जैसे जाएंगे और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाएंगे और नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन। जी हाँ, पहले शॉर्ट फॉर्म के अंदर था और यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे थोड़े बड़े रो के अंदर कर दिया गया और 1-2 ऑप्शन और ऐड कर दिए गए। पहले ऐसा नहीं था, मतलब पहले थोड़ा डिफरेंट तरीके का था, अब थोड़ा डिफरेंट तरीके कर दिए। जैसे कि प्ले साउंड विन अनस्टॉलिंग एप्स, अनस्टॉल सिस्टम ऐप करते हैं तो वहाँ पर आपको साउंड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो वो वाला आपको फीचर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो और कुछ मैं फीचर की बात को तो हम चलते हैं बैक और यहाँ पे बताता हूँ यहाँ पे अनस्टॉल सिस्टम ऐप का फीचर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि काफी लोग पूछेंगे। तो देखते हैं, अभी भी यहां पे कोई भी ऐप शो नहीं करता। और यहां पे किसी भी नोट्स एप्लीकेशन के अंदर मैं ऐप इन्फो में जाता हूं तो यहाँ पे देखते हैं अनस्टॉल अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अनस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब कि आप सिस्टम ऐप को अभी भी अनस्टॉल नहीं कर सकते। अब पता नहीं फ्यूचर में आने वाले अपडेट में शायद तक ये वर्क करने लग जाए। कुछ फीचर की बात को तो हम चलते हैं यहाँ पे एक्टिविटी लॉन्चर के अंदर, आपको दिखाता हूँ एक फीचर और ऐड हुआ, मतलब एक लेआउट को चेंज किया गया, फीचर तो नहीं ऐड किया गया। स्क्रोल करता हूँ, स्क्रोल करता हूँ और यहाँ पर नीचे स्क्रोल करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग UI के अंदर, और सेटिंग UI में जाने के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ गया भाई, यूसेज स्टेटस, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो फोकस मोड है ना, इसका UI थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। पहले डब्बे में था, अब यहाँ पे देखते हैं सर्कल टाइप में कर दिया गया, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ट्रैप वापस यहाँ पे हमें डेमो बोर्ड में देखने को मिल चुका है, 1 मिनट के लिए ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार का हम चले इसको कैंसिल करते हैं और टाइमिंग लगाना चाहते हैं, ये पहले भी था लेकिन इसका लेआउट थोड़ा आपको चेंज देखने को मिलता है और ये थोड़ा बोल्ड कर दिया गया, और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया। फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक्टिविटी लॉन्चर में जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। पहले भी था लेकिन उसका लेआउट चेंज किया गया है बस। इस चीज़ को बताने से पहले काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि वॉलपेपर का लिंक चाहिए, अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से मुझे DM कर देना तो मैं आपको वहाँ पर वॉलपेपर सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट चेंज यहाँ पे देखने मिलता है सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर। सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और हमें यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं। यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको वो प्रो मोड जैसे कि आपको देखने मिलता है ना, परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड, तो वो फीचर के अंदर अभी नहीं आया इस अपडेट के अंदर। और प्राइवेसी वाला लेआउट भी आपको दिखाता हूं, आपको वैसे की वैसे ही देखने को मिलता है। गेम टर्बो को हम अनेबल कर लेते हैं और आपको दिखाता हूं गेम टर्बो के अंदर हमें वॉइस चेंजर का फीचर मिला है कि नहीं मिला। तो इस पर क्लिक किया मैंने तो यहां पे देखते हैं हमें टाइमर का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, वॉइस चेंजर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, ये टाइमर देखने को मिलता है, तो यही वाला फीचर देखने को मिलता है। बाकी वॉइस चेंजर वाला फीचर रेडमी नोट 9 प्रो में नहीं आया इस अपडेट के अंदर और फ्यूचर में भी नहीं आने वाला।
एक चीज़ जरूर से जरूर चेंज की गई है, वो देखने को मिलता है आपको सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर और ऐप लॉक का यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। ऐप लॉक पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम करेंगे तो इस प्रकार का लेआउट देखने को मिलता है और एनिमेशन देखने कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये एक फीचर इसका लेआउट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ऐप लॉक वाला। और एक चीज़ और, कई फोनों के अंदर अपडेट करने के बाद बताऊँ क्या हो रहा है, स्प्लिट स्क्रीन फीचर गायब हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आप देख लेना, आप देखते हैं इस प्रकार से करते हैं, हालांकि इसमें शो कर रहा है लेकिन कईयों के अंदर डायरेक्ट ही ऐप इन्फो खुल जा रहा है। तो आप चेकआउट कर लेना ये फीचर रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ हो सकता है इस अपडेट को करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर हो सकता है, कई लोगों के साथ हो रहा है तो मे बी आपके साथ भी हो सकता है। अभी तक वीडियो में वैल्यू लग रही है तो लाइक कर देना है। और यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आपको दिखाता हूँ, ब्लर मोड हमें अभी भी देखने को मिलता है, इसको रिमूव नहीं किया गया। और नोटिफिकेशन डिले वाली प्रॉब्लम अभी भी है, कई कई ऐप्स के अंदर डिले वाली प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिलती थी, पहले भी था तो उसको फिक्स नहीं किया गया। और बाकी चीजें देखते हैं, आपको सेम टू सेम आपको वैसे ही देखने को मिलती थी जैसे कि आपको पहले देखने को मिलती थी। तो यहां पे आपको कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते। और कुछ चेंजेस की बात को तो इस अपडेट के बाद कुछ ज्यादा कुछ और कुछ चेंजेस नहीं है। कैमरा एप्लीकेशन वैसे ही देखने को मिलता है, डायलर वगैरह आपको वैसे ही देखने को मिलता है जो कि पहले था, मतलब गूगल का डायलर नहीं है इसके अंदर। सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहां पर सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर जाते हैं तो यहां पर इसका जो लेआउट है ना, ये आपको चेंज देखने को मिलता था। पहले आपको लिस्ट वाइज देखने को मिलता था लेकिन अदर ऐप्स जो आते हैं ना वो आपको इस टाइप में देखने को मिलता है इस लिस्ट के अंदर। तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, लेकिन कई अपडेट जो आते हैं वो इस लिस्ट में भी देखने को मिलते हैं, मतलब दोनों ही देखने को मिलते हैं लेकिन अदर एप्स वाले जो इस प्रकार से आपको शो करता है इस अपडेट के बाद में। अगले कुछ फीचर की बात को तो ये फीचर आपको काफी ज्यादा कमाल का देखने को मिलता है। देन इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप जाएंगे स्पेशल फीचर के अंदर और वीडियो टूल बॉक्स के अंदर जाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे वीडियो टूल बॉक्स पहले ही था, हाँ जी हाँ वीडियो टूल बॉक्स पहले ही था, लेकिन इसके लेआउट में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेआउट देखते हैं, मैनेज ऐप स्क्रीनशॉट में जाता हूँ, गैलरी ऐप में मैंने इसको अनेबल कर दिया। अब जाता हूँ मैं होम स्क्रीन के अंदर और गैलरी के एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और शॉर्टकट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ तो देखते हैं इसका लेआउट अब आपको चेंज देखने मिलता है। पहले आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके का था, थोड़ा छोटा ऐप में था और यहाँ पे देखते हैं काफी सारे आपको फ्लोटिंग विंडो में एक्सेस करने का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस का यहाँ पे साइन भी देखने को मिलता है तो इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे वापस स्क्रॉल करता हूँ तो इसको आप फ्लोटिंग विंडो में यूज करना चाहते तो कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर आपको वैसे की वैसे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। साथ साथ यहाँ पे देखते हैं विजिट वाला, आपको जैसे कि काफी लोग बोलेंगे कि विजिट का नया लेआउट हमें देखने को मिला है कि नहीं मिला, जो कि MIUI 13 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन कई फोनों में MIUI 13 का इनहांस अपडेट में देखने को मिल रहा है लेकिन 9 प्रो के अंदर ये नहीं देखने को मिला। सेम टू सेम पहले जैसे था वैसे ही आपको देखने को मिलता, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। और कुछ चेंजेस की बात को तो इसके गैलरी एप्लीकेशन में आपको थोड़े बहुत फिल्टर ऐड देखने को मिलेंगे और यहाँ पे मान लीजिए इस पे जाता हूँ और एड में जाता हूँ, गूगल लेंस का यहीं पे ऑप्शन देखने को मिलता है, रीनेम का ऑप्शन यहीं पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि पहले आपको फाइल मेजर में जाना पड़ता था तो ऐसे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। और यहाँ पे मान लीजिए एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये भी पहले था कि नहीं था ये पता नहीं, आई थिंक हो सकता है पहले था कि नहीं लेकिन हो सकता है ये आया भी। इन्हांस का ऑप्शन, ये सारे चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। क्रॉप में जाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टम क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, पहले आपको उस हिसाब से लेकिन अपने हिसाब के आप किसी फोटो क्रॉप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसके एडिट वगैरह के अंदर जाएंगे, जैसे कि एडिट बटन पर जाता हूँ, यहाँ पर फिल्टर है ना, एक दो फिल्टर और ऐड कर दिए गए। अगर आप यूज़ करते हैं ना इस एडिट ऐप का तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से फिल्टर इसके अंदर ऐड किए गए, तो दो तीन इसके अंदर फिल्टर ऐड कर दिए गए जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और हम चलते हैं बैक, बाकी सारी चीज़ें गैलरी में वैसे ही देखने को मिलती है जैसे पहले ही आपको कुछ इस अपडेट में देखने को मिलता है। Redmi Note 9 Pro के MIUI 12.5.2.0 के अपडेट में मेमोरी एक्सटेंशन फाइनली आ चुका है और MIUI 13 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर चैनल पर नहीं है तो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी देखने को मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। आई होप आज की पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए जिसके पास भी Redmi Note 9 Pro डिवाइस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।